राधे राधे, चलिए मिलके बनाते हैं आज व्हाइट सॉस पास्ता। पास्ता लिया है, पानी बॉयल किया है, इसमें नमक और थोड़े से ऑयल डाल के बॉयल कर लिया। पास्ता को डालकर 90% ही पकाना है, इसे बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। मैंने इसे कुक कर लिया और इसे छान कर एक अलग स्टैंडर में रख दिया था। एक प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, बीट, जो भी सब्जियाँ आप डालना चाहते हैं अपने हिसाब से थोड़े थोड़े काट कर मैंने सारे ले लिए। पैन में तेल गरम किया, लहसुन, प्याज, शिमला मिर्च, गाजर और जो 10-15 तरह का शिमला मिर्च है वो भी आप डाल सकते हैं। कुछ कॉर्न डाले हैं, पिज्ज़ा सीजनिंग थे मेरे पास, मैंने वो भी मिक्स। अब आती है व्हाइट सॉस बनाने की बारी। तो सबसे पहले तो मैंने फ्लेम एकदम स्लो कर दिया। एक चम्मच मैदा और एक चम्मच बटर लिया है, थोड़ा सा ऑयल भी मिक्स किया ताकि मैदा जले ना। मैदा और अब एक गिलास दूध लिया है और थोड़ा थोड़ा दूध डाल के विस्कर की मदद से इसे मिक्स करते गए। इसको मिक्स करने में 5 से 7 मिनट लग जाएंगे और ये इस तरह से होना चाहिए क्योंकि आप जब चमचे को छुए तो वो फिंगर पे कुछ इस तरह से आ जाए। तो ये सॉस बिल्कुल बनकर तैयार है। अब इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स, पिज्ज़ा सीजनिंग, काली मिर्च पाउडर और जो पास्ता वाला पानी जो था, जो पास्ता हमने उबाला था वही पानी को डाल के सॉस को पतला किया है। अब सारे चीज़ों को मिक्स करेंगे। पास्ता डाला है, वेजिटेबल्स डाले हैं, थोड़े से नमक क्योंकि नमक हमने पास्ते में भी और सॉस में भी नमक स्वाद अनुसार मिक्स करेंगे। अब इसमें या फिर चीज़ स्लैक्स हो, चीज़ स्लाइस डाल सकते हैं या मेरे पास मोज़रेला चीज़ थे, मैंने पिज़्ज़ा वाला बस वही मैंने थोड़ा सा डाल दिया। इससे बहुत ही चीज़ी फ्लेवर आया और बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही क्रीमी बनकर तैयार हो गया। बस इसमें क्या है, अब बनकर तैयार है आपका व्हाइट सॉस। इसे पूरे करें इंजॉय क्योंकि अब आपके पास कोई नहीं है रास्ता, और यही है आपका व्हाइट सॉस पास्ता। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक रहते रहते।